सो हेलो गाइस, वंस अगेन वी आर गोइंग टू प्ले गैंग्स ऑफ वेगस। और एक बार ये आपका फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम फिर से चलेंगे पेलने, किसको, वही अपना जो पहली बात, ये क्या हो रहा, व्हाट इज़ दिस, कौन यहाँ पे लड़ाई मार कर रहा है। शांति रखें कृपया, किसी भी प्रकार का कोई उद्दंड ना मचाएँ, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसी के साथ गाइस आज हम चलेंगे खेलने एक बहुत ही धमाकेदार मिशन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं उसमें और फिर बात करते हैं आपसे कि अगर उस मिशन में क्या है। ऑल राइट गाइस, तो इसी के साथ हम एक बार ही आ चुके हैं फिर से अपनी प्यारी गैंगस्टर गर्लफ्रेंड के पास। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो हमें जाना है सीधा सबसे पहले स्ट्रिप क्लब, और मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी लग्जरी कार हैं, उसके बाद भी पता नहीं ये जेसन को क्या हो जाता है। वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है तो वो ऐसी ही कुछ सड़ी हुई गाड़ियों में आता है जिन्हें हम क्लंकर कार के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो इसी के साथ मैंने एक पुलिस वाले को हॉंक दिया है और कुछ हुआ भी नहीं है मुझे। दूसरे को समेटते समय मुझे हो गया है, कुछ 10-20 स्टार पुलिस लग गई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अपना इतना नाम है कि पुलिस वाले अपने आप को छू नहीं पाते हैं, मतलब मुझे नहीं छू पाते, अपने आप को तो छूएंगे ही। और आप देख सकते हैं कैसे मैं सारी कठिनाइयों को चीरता हुआ सीधा चल रहा हूँ गैंगस्टर वेगस की गलियों में, धमाका मचाते हुए, और सिर्फ कुछ ही ओ शिट शिट शिट, किल द गार्ड, गार्ड की हमें लेनी है, उसके लिए रुकता हूँ थोड़ा। तो गाइस चलते हैं पीछे और इनको कौन सी गन से मारूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं उतर सकता हूँ? बिल्कुल उतर सकता हूँ। तो चलता हूँ ऐसे और हाँ इसी का इस्तेमाल करते हैं, शॉट गन, दो शॉट, तीसरा शॉट। कार में मेरी कुछ नहीं होना चाहिए, इकलौती कार है, गार्ड को हमने यहाँ पे पेल दिया। और इसी के साथ आप देख सकते हो क्या एपिक सीन है, बिकॉज गैंगस्टर वेगस में जब से डेविल की एंट्री हुई है तब से ऐसे बहुत सारे एपिक सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और इनको पेलता हूँ जल्दी से, फिर देखता हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे डेविल भेजता है और ये क्या ही लड़ेंगे हमसे। और ये बॉक्स, बॉक्स में क्या हो सकता है, लेट्स चेक आउट, चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या करना है, क्या बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हो सकता है कुछ। हो गॉड, इसी के साथ आप देख सकते हो सिक्योरिटी फॉक्सटिक्स। ओके चलते हैं सीधा, पेलते हैं सबको। और ये गन वहाँ तक नहीं जा पाएगी, तो अपना देसी कट्टा निकालता हूँ मैं और देता हूँ सबको बहुत तेज़ी में। ख़त्म हो गए शायद सारे, और भी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनको पेलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और अरे वी वर्क फॉर वीरा, वी वर्क फॉर वीरा, जैसे कि आप जानते ही होंगे अभी उसका हाल ही में क्या हुआ था। वेरा को खोने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड लगभग पागल हो चुकी है, तो इसको मारने के लिए एक स्पेशल गन का इस्तेमाल करेंगे। खड़ा हो जा बालक, खड़ा हो, बिल्कुल। कभी कभी पिस्टल का भी यूज़ करते हैं, बिकॉज पिस्टल भी बहुत ज़्यादा है। मैं कौन सी गन का इस्तेमाल करूँ उनको मारने, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये बंदा पीछे खड़ा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा, अरे भाई साहब मर जा। और इसी के साथ ये भी गया है मर, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या सीन हो चुका है यहाँ पे। ओके एंड आई थिंक सो इनका हमने गेम बजा दिया है, अब डेविल को खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए वेट करेंगे थोड़ा और देखते हैं आखिर क्या पॉसिबल है। वेट करते हैं, कसीनो तो हमने सबको पेल ही दिया है स्क्रिप्ट क्लब में, और इसी के साथ ही मिशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।